क्या है कि नहीं, मस्ट कंफर्म ही सर। यस आई थिंक स्टार्टेड ना रिकॉर्डिंग। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो आज का डेरिवेटिव क्लास सर स्ट्रेटेजी हो रहा है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन रखूंगा। मुझे याद है सर, लास्ट वीक मैंने बोला था आप लोगों को कि इस वीक में ना मैं आप लोगों को ब्लैक स्कोल्स फार्मूला के ऊपर थोड़ा बात करूंगा, बट आज थोड़ा सा स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करते हैं। कल या परसों में ब्लैक स्कोल्स बता दूंगा, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी के अंदर थोड़ा सा और डेप्थ में जाना है, और क्या क्या स्ट्रेटेजी देख लेना चाहिए सर। क्या है ना सर, जब आप लोग खुद के लिए भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे या फिर अपने क्लाइंट के लिए करोगे, तो आप लोगों को ना स्ट्रेटेजी पे ना बहुत मेहनत करना चाहिए। क्यों सर? सर क्योंकि स्ट्रेटेजी में ना दम है, सिंपल बात है, स्ट्रेटेजी में दम है। अच्छा स्क्रीन शेयर है, मुझे इतना बताओगे सर? मेरे स्क्रीन शेयर आ चे? हाँ सर। ओके तो चलो देखते हैं स्ट्रेटेजी। इतना सॉफ्टवेयर ही दुनिया ने डेवलप कर लिया सिर्फ ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बेसिस में। अब ये थोड़ा ना एक दिन में तो इसमें आपका ग्रिप नहीं आएगा, टाइम लगेगा। जैसे ऑलरेडी देखो, जिन लोग स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी का क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग वहाँ पर स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी का एक कंज्यूमर बिहेवियर या बिहेवियरल फाइनेंस पढ़े थे। फिर धीरे धीरे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, बियर पुट, बियर कॉल, है ना? ये सभी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। आज एक न्यू स्ट्रेटेजी में बात कर लेते हैं सर, पुट रेशियो बैक स्प्रेड। VVIP कॉन्सेप्ट है, VVIP स्ट्रेटेजी है। मैंने क्या बताऊँ आपको, मार्केट में बहुत चलता है पुट रेशियो बैक स्प्रेड। सर हर एक स्ट्रेटेजी को आप बोलते हो इम्पोर्टेंट है, सर क्या करें? जिस बॉल से मैंने जिस बैट मतलब जो स्को जो शॉट से आपको रन मिले वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? आप स्वीप लगा के चार लगाओ, आप छक्का लगाओ स्टेप आउट करके, जब भी रन आ जाता है ना, ऐसे एक प्लेयर है सूर्य कुमार यादव बोल के, ठीक है, क्रिकेट खेलता है सर, बड़ा फेमस प्लेयर है T20 फॉर्मेट के लिए। तो सूर्य कुमार यादव को अगर आप देखोगे वो उल्टा ही खेलता है, विकेट के सामने से ज़्यादा विकेट के पीछे खेलता है। अब नॉर्मल प्लेयर विराट कोहली को अगर तुम बोलोगे कि भाई विकेट के पीछे खेलो, विराट कोहली बोलेगा मैं क्रिकेट भूल जाऊंगा। और सूर्य कुमार यादव को तुम देखोगे ना, वो विकेट के सामने खेल ही नहीं पाता, वो पीछे खेलता है, ठीक है, उसका वही आदत है। तो उसको अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपना के रन मिलता है तो वो स्ट्रेटेजी भी उसके लिए इम्पोर्टेंट ही हुआ ना सर। आप फिर से बोलोगे सर आपका वही बोरिंग वाला क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, सॉरी सर समझ सकता हूँ आप लोग बोर हो जाते हो मेरे एग्जाम्पल से, बट क्या करें। अच्छा देखो, पुट रेशियो बैक स्प्रेड ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, इस रेशियो का इस स्ट्रेटेजी को भी ना थोड़ा सा दिल से समझो, ठीक है, और दिमाग में खेलो। दिल से समझो और दिमाग में खेलो सर। तो इसका बैकग्राउंड क्या है पहले थोड़ा जान लेते हैं। मार्केट कहाँ है सर? साइडवेज चल रहा है क्या? अरे वाह, मार्केट दोजी स्पिनिंग टॉप ऐसा ही कुछ एरिया में थोड़ा स्लो है मार्केट, है ना, थोड़ा सा स्लो है, इंडिसीजन में है। मैंने अभी मार्केट ना खुद ही समझ सोच रहे हैं कि क्या करें, ब्रेकआउट दे क्या, ब्रेक मतलब रेंज से बाहर निकले या फिर वापस पीछे आ जाए, है ना सर? मार्केट थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मार्केट कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूजन में थोड़ा सा सोच रहा है कि क्या करे। ऐसे सिचुएशंस में ट्रेडर को क्या करना चाहिए, माने एज ए मार्केट प्लेयर क्या करना चाहिए जब मार्केट इनडिसीजन हो? अभी कुछ करना चाहिए क्या जब मार्केट इनडिसीजन हो? तो कुछ ना करो सर, बट अपना स्टांस बना के रखो। अब देखो कि इस सिचुएशंस के बाद आप देखना, अगर आप डे चार्ट फॉलो करते हो या फिर अगर आप मिनट चार्ट फॉलो करते हो, जो भी फॉलो करते हो, आपको ना क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस सिचुएशन से मार्केट क्या मोमेंट लेता है।
मैंने कुछ कुछ तो बनाएगा सर, जैसे ये खुद अपने आप में जो सिचुएशंस डेवलप कर रहा है ये कहीं ना कहीं एक इंडिसिजन क्रिएट कर रहा है, माने वो ना तो बुलिश बन पा रहा है और ना ही बियरिश बन पा रहा है, इसके बीच में फंसा हुआ है। अब आगे देख सकते हो कि मे भी कोई मारुबुजू फॉर्म हो जाए, मे भी कोई प्रॉपर कैंडल जो आपको समझ में आता है लाइक इंगल्फिंग फॉर्म हो जाए, लाइक हरामी फॉर्म हो जाए, वॉट एवर, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे ना तो आप समझ लो कि चांसेस इज हाई कि मार्केट वहां से फिर से एक डाउनग्रेड देगा। और ऐसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही मार्केट चल रहा है। देखो इस जोन से मार्केट कुछ दिन पहले का अगर बात करें, रिसेंट एकदम रिसेंट पास्ट में इस जोन से मार्केट वापस नीचे आया था, फिर से मार्केट देखो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश किया था, वापस उसी जोन पे गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। लेकिन ऑब्जर्व करो, या फिर कोई प्रॉपर रीजन मिले तो शायद रेंज से बाहर भी निकल जाए, लेकिन जब तक आपको पक्का समझ में ना आए तब तक कुछ ना करें सर, अगर आप डे चार्ट देख रहे हो तो, ठीक है, मैंने बिना बात का तुक्काबाजी ना करें, समझ में ना आता है ना तो कुछ नहीं करना चाहिए। पैसा सबका सबका कीमती है, लेकिन अंधाधुंध खेलना आई डोंट थिंक कोई सही स्ट्रेटेजी होता है सर। तो चलो देखते हैं ये सब, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पार्ट क्या है। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड करो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बिल्ड करना पड़ता है ना। जैसे आज का सिचुएशंस में भी आज का बताया, बट मैं आपको लास्ट दिन बताया था सर कि मार्केट में आप देखना कि एक पॉजिटिव मोमेंट आएगा, क्योंकि डाउनफॉल में कहीं ना कहीं एक सिस्टम जनरेट हो रहा है, एक पहचान जान पहचान वाला कैंडलस्टिक जनरेट हो रहा है, और ये रीजंस आपको मैं क्लास में हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको मूवमेंट दिखा, और ऐसा पहली बार नहीं सर, पूरा जो लोग काफ़ी बड़ा जर्नी के साथ चल रहे हो वो सभी कोई देख रहा है कि कुछ ना कुछ तो होता है सर, जब जब क्लास में डिस्कशंस होता है उसके बाद कुछ ना कुछ एक्यूरेसी मिल ही जाता है। सो कहने का मतलब इतना है कि ऑब्जेक्टिव अगर पहले आप सेट कर लेते हो ना सर, उसके बाद आप अपना स्ट्रेटेजी को अपनाओ, ठीक है। तो देखते हैं सर ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड कब काम आता है। तो यही वाला होगा ना सर, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, हम लोग कॉल रेशियो बैक स्प्रेड कर लिए थे। अरे कॉल रेशियो बैक स्प्रेड हो गया था, अच्छा ये हो गया था, वेरी गुड सर। तो अगर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड अगर ये हो गया था तो शायद याद भी होगा, रिवाइज किए होंगे सर। तो कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में क्या है सर, स्ट्रेटेजी एक्सटेंसिवली हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। द पुट रेशियो बैक स्प्रेड इज सिमिलर एक्सेप्ट दैट ट्रेडर इनवोक्स दिस व्हेन ही इज बियरिश ऑन द मार्केट। सिंपल बात है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में जब आप बुलिश होते हो तब जाते हो, और पुट रेशियो में जब आप बियरिश होते हो तब जाते हो। तो व्हेन योर व्यू अबाउट मार्केट इज बियरिश, When your view about market is bearish, अगर आपको लगता है कि stock नीचे जाएगा या index नीचे जाएगा, मैंने bearish होगा, ठीक है, नीचे जाने का मतलब इतना ही है सर, तो on the time आपको ये strategy normally अपनाना चाहिए, ठीक है, clear cut समझ आना चाहिए सर। अब आगे का खेल क्या है, at a broad level this is what you will experience when you implement the put ratio back spread, unlimited profit If the market goes down, माने exactly अगर market down जाएगा तो आपको unlimited profit होगा, limited profit अगर market goes up, okay? आपका market अगर, ये बहुत interesting है, market अगर up होता है तो आपको limited profit होगा। माने sir, माने actually this is against your objective, against your direction या objective, जो भी बोलो। आपका objective या direction क्या है, आपका objective है या direction से market बियरिश होगा, बट लुक एट सर, मार्केट अगर आप होगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में भी देखे थे, और सेम चीज आपको यहाँ पर पुट रेशियो बैक स्प्रेड में भी देखने को मिलेगा। प्री डिफाइंड लॉस इफ द मार्केट स्टेज विद इन अ रेंज, अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो एक प्री डिफाइंड लॉस माने लिमिटेड लॉस आपको झेलना पड़ेगा। सो आपका एनिमी कौन है यहाँ पर, एनिमी है साइडवेज मार्केट, साइडवेज इन द सेंस अगर सेम रेंज के अंदर ही मार्केट रह जाता है। जैसे करेंट मार्केट जिस पर्टिकुलर पॉइंट में चल रहा है 19,580 आसपास में है ना सर, अगर मार्केट मानो 580 के अंदर ही रह जाता है एक दिन दो दिन के हिसाब से,
ठीक है, या 4 दिन, जो भी आपका स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट है कि 580 में था, 580 में एक्सपायर कर रहा है, तो अगर आप ऐसे जोन में रह जाते हो, ठीक है, या 570 में रह जाते हो, या 582, 83, 85 में रह जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट डाउन होगा तब तो आप प्रॉफिट अच्छा करोगे, और अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चला जाए तब भी आपको मार्केट में एक मौका मिलने वाला है। सर ये तो गजब का स्ट्रेटेजी है। हाँ सर, स्ट्रेटेजी तो गजब है, बट कैसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसमें चैलेंजिंग है सर, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग है। चलो देखते हैं, सिंपल वर्ड, अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए, यू मेक मनी एज लॉन्ग एज मार्केट मूव्स इन आइदर डिरेक्शन। मार्केट यहाँ है, ठीक है, मार्केट बोल रहे हैं मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, इस यहाँ से अगर मार्केट यहाँ जाता है तो भी पैसा कमाओगे पर लिमिटेड, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आता है तो भी पैसा कमाओगे पर अनलिमिटेड, ठीक है, वो ज़्यादा फेवरेबल है आपके लिए, बिकॉज आपका जो सोच है ना वो बेयरिश सोच है, या फिर आपका सोच नहीं बोलना चाहिए, मार्केट सच में बेयरिश है और आप मार्केट की तरह सोच लिए, सिंपल बात, मार्केट बेयरिश है और आप मार्केट की तरह सोच लिए, तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी काम करने को मिलेगा। सो आगे का खेल देखो सर, यूजुअली पुट रेशियो बैक स्प्रेड, ध्यान से सुनना सर, देखो सर मैं तो कहूंगा सर आप क्लास में जब सुनते हो ना उसी में ना आप अपना माथा को एकदम क्लियर कर लो, क्या है ना जिंदगी में मौका बार बार टाइम नहीं मिलता है, सीरियसली सर आजकल हम लोगों को सर वापस इतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारा चीज जानने को इच्छा होता है, सीखने को इच्छा होता है, करने को इच्छा होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी की थिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। सो पॉइंट इज दैट कि अगर आप लोगों के पास भी टाइम है ना तो प्लीज आप अपने टाइम पर कदर करें, और जो सीखने को मौका मिल रहा है ना इसको दिलो दिमाग से सीखे, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देता है सर, देर इज ऑलवेज सेकेंड चांस, हम लोगों ने कहीं पढ़ा है सर, मोटिवेशन के लिए तो कुछ भी बोल दो। द पुट रेशियो बैक स्प्रेड इज डिप्लॉयड फॉर ए नेट क्रेडिट, मीनिंग मनी फ्लो इनटू योर अकाउंट, माने जब ये स्ट्रेटेजी लिया जाता है तो पैसा आपके अकाउंट में आता है, माने स्टार्टिंग में आप क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, और ये बात आपको पहले से ही समझ में आ गया कि नेट डेबिट स्ट्रेटेजी क्या होता है और नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी क्या होता है। नेट क्रेडिट में कहीं ना कहीं आपका पैसा जाएगा पर आएगा ज्यादा, और डेबिट में क्या है आपका जाएगा ज्यादा आएगा कम, है ना, दैट इज सिंपल, क्योंकि आप लोग यहां पर तो मल्टी लेग करोगे ना, सो द नेट क्रेडिट इज व्हाट यू मेक इफ द मार्केट गोज अप एज अपोज टू योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, दैट इज मार्केट गोइंग डाउन। ऑन द अदर हैंड इफ द मार्केट इंडीड गोज डाउन देन यू स्टैंड टू मेक एन अनलिमिटेड प्रॉफिट। I suppose this should also explain why the put ratio back spread is better than buying a plain vanilla put options. And यही reasons है कि अगर आप एक plain मैंने naked positions लेते हो ना उससे अच्छा है कि आप put ratio back या call ratio back ले लो, है ना, ये spread बहुत ही काम का है, easy चीज है, easy है sir, strategy बहुत tough नहीं है। तो ये कितना leg का strategy है sir? 3-leg option strategy, ठीक है, पुट रेशियो बैक स्प्रेड एक 3-leg ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, इसमें 2 OTM ऑप्शन बाई करना है और 1 ITM ऑप्शन सेल करना है, 1 ITM पुट ऑप्शन, तो इट इन्वॉल्व बाइंग 2 OTM पुट, 2 OTM पुट को क्या करना है सर, बाई करोगे और 1 ITM पुट को सेल करोगे, और ये क्लासिक कॉम्बो है 2:1, ये चीज सेम टू सेम है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड की तरह। In fact, the put ratio back spread has to be executed in 2:1 ratio, meaning 2 options bought for every 1 option sold. 2 buy karo, uske badle 1 sell karo. Ya fir 3 options bought for every 2 options sold. Is tarah ka ho sakta hai. Mane 2:1 ya fir 3:2, 3 buy ke badle 2 sell chalega. Theek hai? Ratio same hona chahiye. Yahi kehna chahta hai sir. चलो एक एग्जाम्पल फॉर्म करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर सेम एग्जाम्पल को आप कोई भी पसंदीदा सॉफ्टवेयर में डाल दो, नो इशू, ठीक है, फिर आप देखो वहां पर क्या आपको क्या मौका मिल रहा है। तो पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स को बेस करके हम लोग लाइव सेंसिबल सॉफ्टवेयर में डाल देंगे या जो भी आपका पसंदीदा सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में,
सीखने से मतलब है सर, पसंद तो अपना अपना। एक एग्जांपल यहां पर लिया है, जब निफ्टी स्पॉट मार्केट में 7506 चल रहा था, स्पॉट हाँ याद रखें, निफ्टी स्पॉट 7506 जब चल रहा था तब का एग्जांपल है, कोई बात नहीं। एक स्ट्रेटेजी में पुराना बात हो या नया या अभी का बात तो बन जाएगा। तो निफ्टी स्पॉट 7506 एंड यू एक्सपेक्ट निफ्टी टू हिट 7000 बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी। हो सकता है कि आपके पास 5 दिन हो सकता है आपके पास 15 दिन हो सकता है आपके पास 25 दिन हो, ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी। जब आप सीरीज स्टार्ट कर रहे हो, जब आप पोजीशन ले रहे हो, ठीक है, तो मे बी आपके पास 5 डेज है, 10 डेज है, 15 डेज है, 25 डेज है, 30 डेज है, नॉर्मली मैक्सिमम 1 मंथ लेके चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगला 15 दिन में मार्केट 7506 से 7000 में आके हिट करेगा, सो देन दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी फॉर यू एंड दिस इज क्लियरली अ बेयरिश एक्सपेक्टेशन। और अगर आपको पुट रेशियो बैक स्प्रेड इंप्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 7500 पुट ऑप्शंस को सेल करो, माने 7500 माने अगर मार्केट 7506 में है तो पुट के केस में क्या होता है, हाँ ये तो हम लोगों को पता है सर। करेंटली अगर मार्केट पुट में देखो, हाँ सर मैं कभी कभी ना गलती कर देता हूँ बताने के टाइम पे, ये आपका पुट एरिया है ना, तो पुट में क्या होता है, करेंट मार्केट कितना चल रहा है, 19587 माने अप्रोक्स इस एरिया में मार्केट है 587 माने 550-600 के पास। तो इसमें आईटीएम किसको बोलेंगे सर, 550 आईटीएम है क्या, आईटीएम माने बेशी होवे एटीएम से गोटा आईटीएम पुटे लेते प्राइस टा प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा, बेशी होवे बेशी बेशी होवे। तो फिर 19600 को क्या बोलेंगे, आईटीएम बोलेंगे सर। यस स्लाइटली आईटीएम है ना, 19650 दैट इज आल्सो ठीक ठाक आईटीएम। ओके तो यहां पर ये स्ट्रेटेजी क्या कहना चाहता है, स्ट्रेटेजी कहना चाहता है कि आप आईटीएम को क्या करो सर, सेल करो। स्पॉट 7506 में है और 7500 पुट ऑप्शंस को सेल करने के लिए बोल रहे हैं और दो लॉट ओटीएम को बाय करना है सर, दो लॉट ओटीएम को बाय करना है। तो जैसे 7200 यहां पर बाय किया गया है, सिमिलर तरीके से आप भी एक काम करो ना, 19000 कितना गैप लिया जाए, स्प्रेड कितना लिया जाए, 500-300 चलेगा, 19300 बोलो सर, जैसे बोलोगे आप लोग 19300 लिया जाएगा, हाँ एडीके 600 नहीं ले हम, अच्छा अच्छा एक काम करो सर, इसमें एक्सपायरी को थोड़ा सा चेंज करो, नेक्स्ट वीक कर दो एक्सपायरी, अगर नेक्स्ट वीक है तो इसको एक को बाय करते हैं, सेल करते हैं 19000 कत करबो, 550 करबो ना 600 करबो, 600 के सेल করব আর এদিক থেকে কত নেব, 300 নেব না 400 নেব, 300 নাকি 315 দেব, 350 চলো 350 বাই করে নিচ্ছি, দুটো লট করে দেখি কি হয়। আচ্ছা ব্যাপারটা দেখতে খানিকটা এরকম দাঁড়াচ্ছে, আই থিংক पे ऑफ चार्ट भी बहुत कुछ बता देता है सर। अच्छा यहाँ पर टारगेट तो फिक्स करना चाहिए, तो टारगेट बेयरिश है कि बुलिश है सर, ऑब्वियसली बेयरिश टारगेट है, तो टारगेट को कम करो। एक हफ्ता में प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा है, 300 ठीक है, ঠিক আছে 19287 টার্গেট 19287 থোড়া সা বড়া যা সকতা হ্যাঁ 300 ইজ ওকে এক্সেলেন্ট।
382 প্রজেক্টেড প্রফিট দেখাচ্ছে হার্ডলি। এক্সপায়ারি কি বহুত জাদা নেই লিয়া স্যার, হার্ডলি ওয়ান উইক এক্সপায়ারি ইয়াহ পর লিয়া গিয়া। ঠিক হ্যায়, আব বেসিক্যালি দিস ইজ দি বেসিক কনসেপ্ট। আপ স্ট্র্যাটেজি বানানে কে টাইম পে আপ কর সকতে হো, লেকিন পুরো খেল কো পহলে দেখো, পুরো খেল পহলে দেখো, ফির আপ দেখনা আপ খুদ হি আপনা স্ট্র্যাটেজি বানা লোগে স্যার। লেকিন কনসেপ্ট কো সেম রাখনা হ্যায়, কনসেপ্ট কো সেম রাখ কে থোড়া বহুত হের ফির আপ কর সকতে হো না, উসমে কোন সা রকেট সায়েন্স হ্যায়। লেকিন মেইন পয়েন্ট আপকো ধ্যান রাখনা পড়েগা, बाई सेल में क्या है सर, स्ट्रेटेजी बना के बाई करोगे बाई हो जाएगा, सेल करोगे सेल हो जाएगा, अकाउंट में पैसा होना चाहिए। हाँ, उसके बाद जो होगा वो तो सिचुएशंस बताएगा, लेकिन इफ यू नो दी फंडामेंटल सिचुएशंस देन आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा या फिर आपका प्रीमियम वैल्यू बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आपको अंदर है ना सर, तो आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्जिन बता देता है आपको, बस फंड में डालो और काम करो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, मेन जो है कि करना है या नहीं। ठीक है, इसी में मेन फोकस है कि करे कि ना करे, माने मार्केट में ना ब्रेकिंग पॉइंट है फुल होला की भूल করলাম রে, মানে আমার টার্গেটটা যে 300 করলাম না, আমাদের তো ব্রেক ইভেন পয়েন্টের কাছেই তো আমরা টার্গেট করলাম যে 200 দেখাচ্ছে ওই জন্য। আচ্ছা, আপনি ওটা 200 করে দিন দেখবেন, হ্যাঁ ওটা প্রফিটটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, ওটাই আমি ভাবছি কি স্প্রেডটা ঠিক হলো না, তাই তো? হ্যাঁ, আমি ওটাই আমি জানি বলছি, আমরা তো করব ব্রেক ইভেনের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে টার্গেট। হ্যাঁ, 19200 স্প্রেডটা ঠিক করতে হবে, স্প্রেডটা আচ্ছা এটাকে চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে ক্লিয়ার করতে হবে আবার পুরো পুরো। এক সেকেন্ড স্যার, 19200 বাই না, দুটো লট বাই করব। ঠিক আছে, আর এদিকে কত করব? বাই বললাম না, আমি বললাম স্যার এটা মানে আপনি যে টার্গেটটা রাখলেন না, আমরা তো 350 লট তো কিনেছিলাম, কিন্তু টার্গেট ছিল 300, মানে 50 তো পয়েন্ট হচ্ছে, কিন্তু আমাদের তো ব্রেক ইভেনটা তো ওরকমই হয়ে যাচ্ছে, তারপর তো প্রফিটটা অরিজিনালি বাড়বে। আপনি 300 যেমন বাই করছেন, টার্গেটটা বেশি করে, আচ্ছা টার্গেটটাকে তুই বেশি করতে বলছিস। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমি আরেকটা স্ট্র্যাটেজি বানাচ্ছি, এদিকে 19200 রাখি আর এদিকে এটাকে 19550 কি আইটিএম হবে তো নাকি, না 600 আইটিএম হবে, 550 600, ও সরি 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 সরি, ওটা ফুটের ক্ষেত্রে তো দাদা ওটিএম হয়ে যাবে মানে। তাহলে এটাকে কত করলে ভালো হয়, 19200 250, এটা তাহলে 300ই রাখছি তাহলে, তাই তো? 19300ই রাখছি, এটা 300ই রাখলাম, এটাকে 300ই রাখছি আর এদিকে এটাকে 19600 কে করে দিচ্ছি সেল। হ্যাঁ ওকে স্যার। আচ্ছা, এবারে টার্গেটটা টার্গেটটা কম করতে হবে তো, আমি নেক্সট মান্থ করিনি, এক সপ্তাহ করেছি, আমি 14 তারিখ করেছি, ওয়ান উইকের টার্গেট করেছি, অনেকটা গ্যাপ হয়ে গেল, কিছু একটা প্রবলেম। তাহলে স্যার 350 নিতে পারছেন, 400 নিতে? হ্যাঁ বল, 19400 নিলে হবে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাহলে 400 নিন, 19400 কি টার্গেট রাখতে বলছিস? টার্গেট 19400? না না না, ওই স্ট্রাইক প্রাইসটা ওটিএমটা যেটা বাই করব, ওটিএমটা হ্যাঁ ওটিএমটা 19400 আর ওটা আইটিএমটা 19600। আচ্ছা, এটা 19400, যেটা 19300 করেছি ওটা 19400 বলছিস, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটা নেট ক্রেডিট তো? হ্যাঁ নেট ক্রেডিট তো। হ্যাঁ তাহলে তো ঠিকই আছে, আপনি সেলে তো 108 টাকা হচ্ছে আর দুটো ওটিএম যোগ করলে 80 টাকা মতো হবে, মানে নেট ক্রেডিটই থাকছে।
400 নিয়ে নে। 400 নিলাম, আমাদের দিকে কত নিলে ভালো হয়? 600? হ্যাঁ 600 রাখুন। টার্গেট, টার্গেটটা কত রাখবো? 19400। 150 পয়েন্ট রাখো। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, 19200 বা 300 ঠিক আছে। ওকে, মানে অ্যাজ পার দি স্ট্র্যাটেজি এটা অনেকটা ঠিকঠাক এসছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। চলো স্যার, আমি এ বেসিক্যালি কে না স্যার, আপ লোক জেসে জেসে বেঠে বেঠে করোগে না তো ফাইন্ড আউট কর সকতে হো কি মেইনলি কেনা কে চাহতা হ্যায়, ঠিক হ্যায়। তো আপকো বস কুছ চিজে ধ্যান দেনা হ্যায়, দ্য পুট অপশনস বিলংস টু সেম এক্সপায়ারি, বিলং টু সেম আন্ডারলাইন এন্ড দ্য রেশিও ইজ মেইনটেইনড, ঠিক হ্যায়। 2:1 কা জো কনসেপ্ট হ্যায়, মানে আগার আপ দো বাই করোগে এক সেল করনা, তিন বাই করোগে দো সেল করনা, ইস তরহ কা সিস্টেম পে চলনা হ্যায়, ঠিক হ্যায়। 3 অপশনস বাই ফর এভরি 2 অপশনস হোল্ড, তো আগার আপ रेशियो को मेंटेन करोगे इस तरह से आप चलते चल सकते हो, नो इशू विद दैट। ट्रेड सेटअप पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी लाइव मार्केट से उठाया गया है, बाकी आप करंट सिचुएशंस में भी चेक कर सकते हो कि हो रहा है कि नहीं। अच्छा क्या हम लोगों के केस में हो रहा है? 7,500 पुट ऑप्शन में, 7,500 पुट ऑप्शन जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो सर? शॉर्ट कर रहे हो। 7,500 पुट को आपने क्या किया? शॉर्ट कर रहे हो, मैंने सेल कर रहे हो। तो जब आप सेलर बनते हो ना, शॉर्ट मैंने बेसिकली सेलर, तो जब आप सेलर बनते हो तो प्रीमियम रिसीव करते हो। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होगा, ये जो सेल हम लोगों ने किया इसका प्रीमियम है 108.35, तो आप क्या बन गए सर? आप इसको रिसीव करोगे। और ये जो 40.60 है दो लॉट का, तो 40 × 2 मैंने 80, 81, 82 समथिंग, तो 108 और 82, तो नेट क्रेडिट ही होगा। मैंने आप रिसीव ज़्यादा कर रहे हो, और आप रिसीव ज्यादा कर रहे हो और पे कम कर रहे हो, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट देखो, आपको यहां पर भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहां पर भी आपको सेम टू सेम चीज देखने को मिल रहा है। जस्ट लुक एट अगेन, 134 आप रिसीव करोगे, ठीक है, सेल के लिए, और 7,200 जो आपने OTM लिया, प्रीमियम आपका क्या है? 46 करके प्रीमियम था, तो दो लॉट है तो 92। देखो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, तो दो लॉट के लिए 46 × 2 हो गया, बस दैट्स इट। अब नेट कैश फ्लो का क्या होगा? जितना प्रीमियम आप रिसीव करोगे और जितना प्रीमियम आप पे करोगे, तो ये हिसाब एक्चुअली बैकग्राउंड में हो जाएगा। तो आपका ये जो स्ट्रेटेजी है, ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी हो जाएगा, है ना। विद दीज ट्रेड्स द पुट रेशियो बैक स्प्रेड इज एग्जीक्यूटेड। अब इस स्ट्रेटेजी के साथ आप स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करोगे। लेट अस चेक व्हाट वुड हैपन टू द ओवरऑल कैश फ्लो फॉर दिस स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपायरी, है ना। दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि होगा क्या इसमें आगे, कि अगर मार्केट एक्सपायर करता है 7,600 पे। अच्छा एक बात आप लोग भूले तो नहीं सर, कि मार्केट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब 7506 चल रहा था, तो अगर मार्केट एक्सपायर कर जाता है 7600 में, माने अबव ITM, है ना, अबव द ITM ऑप्शंस, तो एट 7600 बोथ पुट वुड एक्सपायर ओर्थलेस। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एंड द इवेंचुअल स्ट्रेटजी पे ऑफ इज एज बिलो। क्या होगा सर? क्या आपको याद है ना सर, पुट में क्या कैसे इंट्रिंसिक कैलकुलेट करते हैं? प्लीज टेल मी पुट का इंट्रिंसिक कैलकुलेशन। हां बोलो सर। स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्ट्राइक कितना है आपका? 7,500 ना, एंड एक्चुअली एक 7,600 था और एक 7,500 था, सही बोल रहा हूँ ना, तो 7,600, यस बोलो सर। हाँ, 7,500 में बाई था और 7,600 में सेल था, तो 7,600 माइनस 7,600, दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस एंड दिस इज योर स्पॉट करेंटली, ओके। तो दोनों केस में आपका क्या होगा? जीरो। और 7,500 से भी अगर आप 7,600 को माइनस करते हो तो ये नेगेटिव होता है, और इंट्रिंसिक नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसे भी जीरो मान लिया जाता है। अब पूरा केस में ये ओर्थलेस हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों केस में ओर्थलेस है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों केस में ओर्थलेस है,
तो आप अभी हिसाब लगा लो सर, मैंने 7200, अच्छा यह सॉरी 7500 और 7200 था, 7500 था, मैंने गलत बोल दिया सर, मैंने 7200 हमारा लोअर लेवल में था और 7500 अपर लेवल में था, तो 7200 माइनस 7600, सॉरी सर सॉरी गलत बोला मैंने, तो इसमें ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं होगा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नहीं होगा जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के हिसाब वही होगा कि प्रीमियम पे कितना है आपका जब आप बाई कर रहे हो 92 और जब आप सेल कर रहे हो तब आप कितना रिसीव कर रहे हो 134, तो नेट पे ऑफ स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा 42, यानी वही जो आपका नेट क्रेडिट है वही आपको मिलेगा, बाकी जो भी कॉस्ट वगैरह है ब्रोकरेज चार्जेस या अलग अलग जो चार्जेस लग जाता है वो चार्जेस बाद में आपसे काटा जाएगा, बट मेनली आपको 42 मिल जाएगा। नाउ पॉइंट इज यहाँ पर क्या है सर, एक चीज आपने ख्याल नहीं किया शायद, इसमें आपको प्रॉफिट तो हुआ बट आपके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में जगह हुआ, आपको क्या लगा था कि मार्केट गिरेगा, ये बियरिश स्ट्रेटेजी है सर, दिस इज अ बियरिश स्ट्रेटेजी, ये जो पुट रेशियो बैक स्प्रेड है ये बियरिश स्ट्रेटेजी है, पर फिर भी मार्केट बियर नहीं हुआ, मार्केट बुलिश हुआ, हल्का सा बुलिश हो गया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत कमा रहे हो। तो यहां पर एक चीज का याद रखें, द नेट पे ऑफ ऑफ द स्ट्रेटजी एट 7600 हायर देन द आईटीएम इज इक्विवेलेंट टू द नेट क्रेडिट, मतलब आपका कितना नेट पे ऑफ होगा, जो आपका नेट क्रेडिट है वही आपका पे ऑफ होगा, उसी के इक्विवेलेंट होगा अगर मार्केट बुलिश हो जाता है बियरिश के जगह, अगर मार्केट बियर होने के बजाय अगर बुलिश हो जाए तो ये सिचुएशन होने का चांसेस है, हो जाएगा। सिनेरियो टू बता रहा है सर कि मार्केट एक्सपायर करता है 7500 पे, तो अगेन वही बात सर, 7500 माइनस 7500 सिमिलर यहां पर भी होगा, वहां पर सेम टू सेम आपको नेट क्रेडिट ही मिलेगा। सिनारियो थ्री देखो आप 7458 मैंने थोड़ा सा बेरिश है बट ये ब्रेक इवन हो जाएगा, 7458 में ब्रेक इवन हो जाएगा, आप हिसाब लगाओ 7458 आपका मार्केट स्पॉट है करेंटली, और आपका दो स्ट्रेटेजी क्या था 7200 माइनस 7458 ये नेगेटिव है, और 7500 माइनस 7458 यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिखेगा, है ना, 7200 ये तो नेगेटिव है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसमें आपका जितना पेमेंट है वो पूरा का पूरा हो जाएगा 92 का, और इधर 7500 में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है इंट्रेंसिक, तो उसमें आपको माइनस करना है, तो 134 माइनस 42 इधर 92 और उधर ऑलरेडी आप 92 पे कर रहे थे नेट क्रेडिट जो था आपका, सो हिसाब लगा लो, एंस 42 इधर आपका इंट्रेंसिक है, तो यहाँ पर क्या है 134 जितना आपने रिसीव किया था वहाँ से इंट्रेंसिक को माइनस करो तो 92, और 7200 में आपने जितना प्रीमियम पे किया था वो भी 92, तो 92 प्लस एंड 92 माइनस, 92 प्लस एंड 92 माइनस कुल मिला के जीरो। तो अगर मार्केट 7458 में कंप्लीट हो जाता है एक्सपायर करता है तो आपको क्या बनेगा, आपका ब्रेक इवन बनेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। सिनेरियो फोर देखो आपके सामने, अगर मार्केट 7200 में आता है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 7200 में अगर मार्केट एक्सपायर करता है 7200 सर क्या लग रहा है 7200 में आप क्या करोगे, प्रॉफिटेबल हालत होगा कि लॉस हालत हो जाएगा, आप लोग एक चीज भूलना नहीं सर, जब आपने स्टार्ट किया था तो निफ्टी स्पॉट चल रहा था 7506 पे, ठीक है, ऐसे हालत में मार्केट 7200 पे जाके रुका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, ठीक है, दिस इज द पॉइंट विच द स्ट्रेटेजी कॉजेस मैक्सिमम पेन, कैसे 7200 एंड 7500 पुट ऑप्शन वुड हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा 7500 स्ट्राइक माइनस 7200 जो करेंटली हुआ है स्पॉट, मतलब स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है 300 का, है ना, और आपने प्रीमियम 7500 के केस में आपने प्रीमियम रिसीव किया था,
7500 में आपने प्रीमियम रिसीव किया था, तो 134 आपने रिसीव किया और 300 आपका इंट्रेंसिक है, तो रिसीव से इंट्रेंसिक को हटाओ तो 166 का नेगेटिव, 7200 पुट ऑप्शंस में आ जाओ, अनदर स्ट्राइक पॉइंट, तो 7200 से जब आप 7200 माइनस करोगे तो ये जीरो होगा इंट्रेंसिक। तो अब सिचुएशंस क्या बन रहा है सर, आपका इधर 166 का नेगेटिव और यहाँ पर आपने 92 ऑलरेडी पे किया था, तो 166 भी आपका गया, 92 भी आपका गया, तो कुल मिला के 258 का लॉस। दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ द ऑप्शंस वुड टर्न अगेंस्ट अस, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन। तो अगर मार्केट 7200 में एक्सपायर करता है एज पर दिस स्ट्रेटजी आपको मैक्सिमम पेन होगा, मैंने आपको बहुत भयंकर टाइप का लॉस देखने को मिलेगा। सर अनदर पॉइंट, मार्केट एक्सपायर 6942 भी बेरिश है, 7200 भी बेरिश था बट 6942 भी बेरिश है, 6942 में आपको लोअर ब्रेक इवन मिलेगा। इसमें दो ब्रेक इवन है, एक अपर ब्रेक इवन एक लोअर ब्रेक इवन। इवन जब आप स्ट्रेटेजी देख रहे थे यहाँ पर भी आप देखो आपको दो ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है, आपको दो दो ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है, आप चेक कर सकते हो, सिमिलर चीजें आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, कॉपी कलम लेके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स करोगे तो अपना ही कैलकुलेशन पावर बढ़ जाएगा, है ना सर। तो सेम टू सेम आप इधर देखो, जब आपका 6492 हो रहा है, 6492 जब हो रहा है, सॉरी 6942 6942 ओके 7200 से भी नीचे, लेकिन इस बार आप लोअर ब्रेक इवन में आकर रुकोगे, माने अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कैसे, ये आपका करेंट स्पॉट है, स्ट्राइक क्या है आपका 7500 जो आपने सेल किया था, और 6942 आपका करेंट स्पॉट है, इधर आपका इंट्रेंसिक कितना हुआ 558। आपने इसको सेल करने के टाइम पे कितना रिसीव किया था 134, तो 134 में से 558 माइनस करो 442 का 424 का लॉस, और 7200 से अनदर जो आपका बाइंग था लॉन्ग जिसमें आपने थे, तो 7200 से 6942 माइनस करो, यहाँ पर 258 पर लॉट का पॉजिटिव है इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है, लेकिन 258 इधर पॉजिटिव है पर लॉट का, तो 258 इंटू कर दो कितना होता है 258 इंटू 2 516 होगा सर, 516। इसमें से आपने जो इंटरेस्ट ये क्या बोलते हैं उसको प्रीमियम पे किया था 92, तो 516 से 92 प्रीमियम माइनस करो तो 424 अगेन, तो 424 माइनस 424 प्लस अगेन जीरो, तो दिस इज द लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। अरे मार्केट जब लोअर ब्रेक इवन हिट करेगा तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, और मार्केट जब अपर ब्रेक इवन हिट करेगा तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट कहाँ आएगा फिर, सारा खेल में तो नेगेटिव ही दिख रहा है, आप लोगों का भी मन बड़ा दुखी हो रहा है कि सर चारों तरफ तो लॉस ही लॉस है, हाहाकार मचा हुआ है लॉस का, तो पैसा कब देखने को मिलेगा। अरे वही तो ना सर, जो बंदा हाहाकार से जीत ले उसी को पैसा दिखता है। अगर इंसान को चारों तरफ नेगेटिव ही दिखता है ना सारा दिन, तो वो बंदा पॉजिटिव क्या देख पाएगा, समझ रहे हो सर, माने टू मच पॉजिटिव भी खराब है, इतना पॉजिटिव माने ओवर कॉन्फिडेंट पॉजिटिव, नेगेटिव दिखता ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो चिंताजनक, और टू मच नेगेटिव, हर चीज में बस लॉस ही लॉस नजर आता है तो भी चिंताजनक, ठीक है। 6800 अब मार्केट कुछ आपके लिए रखेगा सर, क्योंकि अब अभी ना लोअर ब्रेक इवन से भी नीचे आ गए, मार्केट अब जेन्युइन बेयरिश की तरफ बढ़ रहा है सर, तो पुट रेशियो बैक स्प्रेड इज अ बेयरिश स्ट्रेटजी, ये भूलना नहीं है, इट इज सपोज टू मेक मनी वंस द मार्केट गोज बिलो द लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब तक लोअर ब्रेक इवन पॉइंट को छोड़ के नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक आपको कुछ पैसा नहीं दिखेगा,
So let's understand how the payoff behaves at a point lower than lower break-even point से भी नीचे market आएगा तो market क्या behave करेगा जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे. Now 6,800 is your current spot. 7,500 put options का 6,800 से माइनस करो कितना आ रहा है इंट्रेंसिक 700. So 134 आपने रिसीव किया था 700 आपका इंट्रेंसिक है 566 आपका लॉस दिख रहा है. लेकिन आपके स्ट्रेटेजी का दूसरा पार्ट जिसमें आपने बायर बने थे 7,200 माइनस 6,800 400 पॉजिटिव 400 इंटू 2 दो लॉट है ना तो टोटल होता है 800 और आपने पे किया था 92 तो टोटल होता है 708. तो 7,200 के लिए आपका 708 का पॉजिटिव वैल्यू है इधर 566 का पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है तो 708 और 566 142 पॉजिटिव. सिमिलर तरीके से और नीचे आएगा मार्केट ना और प्रॉफिट करोगे 6,800 से 6,700, 700, 6,600, 6,500 ठीक है और जितना नीचे आएगा उतना प्रॉफिट दिखेगा आपको. ये एक्चुअली बेयरिश स्ट्रेटेजी है. जब मार्केट एकदम बेयर मोड ले लेता है ना अपना गियर बेयरिश शिफ्ट करता है तब आपको ये खेल मजा देता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बेयरिश है. अब इसको अगर आप पे ऑफ स्ट्रक्चर से देखो जब जब मार्केट पहुंचेगा कहां पर 7,500 स्टार्टिंग था आपका है ना 7,506 समथिंग जब जब मार्केट नीचे गिरा है एक्सेप्ट देयर इज अ 3-4 सिनेरियोस माने लोअर ब्रेक इवन तक का एरिया को छोड़ के माने आपके लिए खतरनाक एरिया क्या है 7,000 से लेके 7,400 ठीक किया है रे मैंने 58 लॉस 158 लॉस 258 लॉस 158 लॉस 1, 2, 3, 4 हाँ ठीक ही किया 7,500 से मार्केट अगर 7,000 तक भी नीचे जाता है तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा लॉस होगा. बट देयर इज अ लेकिन किंतु परंतु स्ट्रेटेजी बेयरिश है माने एक्सट्रीम बेयरिश होगा तो पैसा दिख जाएगा और वो स्टार्ट होता है 6,900 6,800 7,700 जितना नीचे जाएगा और जितना नीचे जाएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट करोगे. मार्केट अगर बुलिश हो जाता है माने आपके सोच के अगेंस्ट में चले जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत कमा लोगे. लेकिन मार्केट अगर 7,000 7,500 के बीच में है तो नहीं कमा पाओगे सर. जैसे अगर आप रिसेंट सिनेरियोस देखो कि निफ्टी दिखाता हूं आपको आपको कोई भी स्टॉक पसंद है आप वहां पर भी चेक कर सकते हो. अरे अगर आप देखोगे कि निफ्टी अगर 2-400 पॉइंट में अगर चेंजेस हुआ है से फॉर एग्जांपल 1987 से या 1900 से 300 के बीच में समझ रहे हो सर. ये जो मार्केट में बेयरिशनेस रहा है ना निफ्टी का दिस बेयरिशनेस इज नॉट एनफ. अब आगे आप थोड़ा स्ट्रेटेजी में देख सकते हो कि कहाँ क्या सिचुएशंस है. आपको कुछ ज़्यादा ही बेयरिशनेस होना पड़ेगा एक्सट्रीम बेयरिशनेस होना पड़ेगा तो जाके अगर आपको लगता है मार्केट सच में गिरेगा जोर का गिरेगा ठीक है तो अगर आपको मार्केट जोर का गिरेगा फीलिंग आए ना तो जाके आप ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाएं. और अगर बाय चांस मार्केट गिरता नहीं है थोड़ा बहुत अप हो जाता है थोड़ा बहुत अप भी हो जाता है थोड़ा बहुत क्यों जितना भी अप हो जाए आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट देगा. बट मार्केट अगर साइडवेज सिचुएशंस में है ना वही 200-300 में घूम रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा उल्टा लॉस होगा वो भी अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है.
लेकिन हाँ स्पेसिफाइड, कि कितना हो जाएगा ये पता लग जाएगा। बाबा की बोझा गलो, हाँ सर देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी ऑलमोस्ट सेम है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही है ना सर। हाँ सर बोलो, ये स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो पुट रेशियो बैक स्प्रेड में तभी आना चाहिए आपको जब आप मार्केट में एक्सट्रीम बेयरिश फेल करते हो। ये बात सिर्फ निफ्टी पे लागू होता है ऐसा बात नहीं है, सिमिलर बात आपको स्टॉक में भी देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक फॉलो करते हो, चाहे आपका पसंदीदा निफ्टी 50 के अंदर कोई स्टॉक है या फिर निफ्टी 100 के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, जो भी आपको पसंदीदा कोई भी स्टॉक है जो जिसमें आपको लगता है, मैंने पसंद का मतलब क्या, नॉर्मल लोगों का सोच होता है कि मार्केट बढ़ेगा तो ही पसंद है, लेकिन मार्केट गिरेगा ये भी पसंद हो सकता है ना, सिचुएशंस बदल रहा है सर। आम आदमी क्या सोचते हैं, आम आदमी सोचते हैं स्टॉक में ग्रोथ है तो उसमें आना चाहिए, बट अगर आप देखो सर, अगर आप सिर्फ ग्रोथ स्ट्रेटेजी ही देखोगे तो फिर आप अपने आप को ग्रोथ स्ट्रेटेजी में रख सकते हो, बट अगर आप इकोनॉमिक के दोनों पहलू को देखते हो कि इकोनॉमी में दोनों चीज होता है, जैसे एक कॉइन में हेड भी होता है टेल भी होता है, सिमिलरली इकोनॉमी में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होता है। चलो एक एग्जाम्पल, कल आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, थोड़ा सा पढ़ रहा था रात को, शुगर इंडस्ट्री में आप लोग बात कर रहे थे, किसका फैमिली में शुगर का बिजनेस है रे, मुझे समझ में नहीं आया क्या? आमार। आमार बोलते नंदन है सर। ओ उधर की चीनी कॉल अच्छे, हाँ फैमिली माने हमरा पूरो वैल्यू चेन के कैटर करी, माने शुगर केन ফার্মিং করা থেকে ওকে তোলা, ঠিক আছে, ওখান থেকে সুগার বানানো, এবার সুগারের মধ্যে তিনটে চারটে ভ্যারাইটিস, আমরা গ্লুকোটোস, ফ্রুটোস, গ্ল্যাকোটোস এরকম ধরনের সুগারগুলোকে মাইল করি, তারপর ওখান থেকে আবার ক্রিস্টাল সুগার, ব্রাউন সুগার। তোদের ফ্যাক্টরি কি ওই মহেশতলার দিকে আছে নাকি ফ্যাক্টরি? আমাদের ওড়িশাতে। ওড়িশাতে আছে। এবার ওখান থেকে এবার গভর্নমেন্টের সাথে টাই আপ আছে, মানে গভর্নমেন্টকে তো অবশ্যই দিতে হবে, কারণ ওড়িশার গভর্নমেন্টগুলোর সাথে, প্লাস এই যত বড় বড় কোম্পানি আছে, ইআইডি, পেডি, রেনুকা সুগার, ট্রিভেন্ড্রাম, আমাদের মানে ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে প্রসেস করে, তো এখানে আমাদের কোনো মানে সেরকম মার্জিন নেই, কারণ ওদের কাছে আগে থেকে আমাদের কন্ট্রাক্ট করা থাকে। ঠিক আছে, টাকা মেন টাকা আসে হচ্ছে, মেন ভ্যালু হচ্ছে জ্যাগারিতে, ওই যে যখন ঘুরে হয় বা লিকুইড হোক বা মোটা হোক, ওকে প্যাকেজ করে যখন সেল, ওটাতে মেন মার্জিন, আর নয় ওই ক্রিস্টাল সুগার, কিউব সুগার আর ব্রাউন সুগার একটুখানি মার্জিন থাকে, না হলে স্যার এই বিজনেসে খুব চাপের ব্যাপার। ম্যাক্স খুব খাটাখাটনি করার পরেও 8-9% নেট মার্জিনও বিশাল ব্যাপার এই বিজনেসে। যে বিজনেসে যে থাকে না, এই বিজনেসে তারই মনে হয়, সত্যি কথাই বলছি, যে বিজনেসে যে থাকে তার মানে যদি কোনো কারণে নেগেটিভ চলতে থাকে বা কিছু ব্যবস্থা করা যায় না, তখন না সবারই মনে হয় কি এই বিজনেসে মার্কেট ভালো নেই। মানে কিছু মনে করিস না নন্দন, এটা আমি শুধু তোকে বলছি না, মানে পার্সোনাল কোনো টার্গেট না। আমি আমি প্রবলেমটা আমি বুঝতে পারছি, ঠিক আছে, এই ধরনের প্রবলেম সব বিজনেসকেই ফেস করতে হয়, বাট আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছি। হ্যাঁ বল বল শুনছি। এবার যখন এই যেমন এখন শর্টের পিরিয়ড, ঠিক আছে, ইউপি ফিপিতে বৃষ্টি কম হচ্ছে, ওড়িশাতেও একই অবস্থা, এই যে চিনির দাম বাড়ছে, ঠিক আছে, আলটিমেটলি এটা কি আটকে যায়, কারণ গভর্নমেন্ট এবার ইন্টারফেয়ার করে আর ওই ক্যাপটাকে আটকে দেয়। এইখানটাতে একটা প্রবলেম, এটা এটা মেনে নিচ্ছি আমি, গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ারেন্সটা যেখানেই থাকে ওইখানেই একটা সমস্যা থাকে। কি হয়, গভর্নমেন্ট এসেও ইনভেন্টরিটাকে আমাদের কাছ থেকে বাই করে নেয় একটুখানি বেশি মার্কেটটাকে, মার্কেটে সাপ্লাইটাকে ইয়ে করে দেয়, নাহলে ওখানে ব্ল্যাক মার্কেটিং চলে আসে যে আমরা ক্যাপচার করে নেবো, আর বড় বড় কোম্পানিগুলো সোশ্যাল সাইটে তো খুবই লিমিটেড, মানে ম্যাক্স টু ম্যাক্স হয়তো একটা কোয়ার্টার দুটো কোয়ার্টারে প্রফিট ভালো আসতে পারে, তারপরে যেমন সাইকেল টার্ন অ্যারাউন্ড হয় ও আবার একই কে একই সেই 6-7% মার্জিন। না না, এটা 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 আমি 100% এগ্রি করছি। অ্যাকচুয়ালি যেখানেই গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ারেন্স থাকবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক কি স্টেট গভর্নমেন্ট, সেম প্রবলেম, এই প্রবলেমটা থাকবেই, মানে অ্যাকচুয়ালি তুই ফ্রিলি ট্রেডটা করতে পারবে না।
মানে আপনি যখনই কোনো সোশ্যাল ফুডস নিয়ে মানে যেটার সাথে হিউম্যান লাইফের ইন্টারফিয়ারেন্স আছে ইন্টারফিয়ার করবে, কারণ ওটা পুরো ওভার ইকোনমিকে হিউম্যান লাইফকে ইমপ্যাক্ট করে। হ্যাঁ, বিকজ ওটা ওখানে একটা সোশ্যাল ম্যাটার থাকবে, এর এর নিড একটা অলওয়েজ থাকবে, কিন্তু কখনোই হাই লেভেল মার্জিনে যেতে পারবে না। মানে আপনি ইআইডি পেডির বিজনেস দেখেন, ইআইডি পেডির সাথে আমরা 18 বছর ধরে বিজনেস করছি, ঠিক আছে, মানে 2005 তো ওদেরও ম্যাক্স টু ম্যাক্স মার্জিন, মানে ওরা যদি খুব ভালো করে না, এখন ইথানল এসেছে, ইথানল ওদের কাছে যে মলিকিউলসটা হচ্ছে ওখান থেকে মলিসিসটা ওদের কাছে ইম্পর্টেন্ট, যেটা ছিবড়া ফিবড়া যেগুলো লাস্টের দিকে পড়ে যায় মার্জিন ভাই আছে, কারণ এখন ইথানলের মারাত্মক আছে। আর ইথানলটা কোন কোন ইথানলটা কিভাবে বের হয়? ইথানল হচ্ছে ওই যে সুগারের যে কেনটা মানে ছিবড়াটা বের হয়, ওই ছিবড়া প্রসেস করে, আর যখন আমরা আখে মানে সুগার মানে সুগার কেন থেকে সুগারটাকে বাইফার্গেট করছি, ওখান থেকে একটা বাই হিসাবে মলিসিস বের হয় পাতলা লিকুইডের মতো, ওটাকে প্রসেস করে বানানো হয়। তারপর এই অ্যালকোহল আছে না ওই দুটাই, বুঝলে? কিটা কিটা ইথাইল অ্যালকোহল আছে যেটা, ওটাই মানে সুগারের কেন, ওই মানে আখ দিয়ে ওই ওর জুসটা দিয়ে অনেকে ওই ড্রিঙ্ক ফ্রিঙ্ক অনেক কিছু বানায় না, ওইগুলো বানায়, ওইটা ওর ভিতর দিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল বেরায়, ওটা ইথানল। আচ্ছা, ওটা 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 কি লিকুইড ফর্মেশনেই থাকে ইথানলটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে গ্যাজের মতো হয়ে যায় লাস্টে যখন পচিয়ে পচিয়ে আর কি করে, মানে ওটা ইয়ে হয়ে যায়, কনভার্ট হয়ে আস্তে আস্তে বিক্রিয়া করে করতে করতে হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এইটাকে যে পেট্রোলের সাথে মেশাচ্ছে, পেট্রোল ডিজেলের সাথে, এটা কি ডাইরেক্টলি মেশাচ্ছে? হ্যাঁ, মানে ওখানে এখন তো গভর্নমেন্টের টার্গেট E20, মানে 80% পেট্রোল থাকবে, 20% ইথানল থাকবে, এটা 2025 অবধি। কিন্তু রিসেন্ট ইয়ে কিসে জানো, টয়োটা টয়োটার একটা গাড়ি বেরিয়েছে, ওটা দেখবেন স্ট্যান্ডার্ড কত, 6 সাস্টেইনেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড 6 এ মেইনটেইন করা ফার্স্ট ইন্ডিয়ার গাড়ি, ওটা 100% ইথানল, ওখানে কোনো পেট্রোল নেই। এবার ইথানলে যে যখন 100% ইথানল, আপনি সার্চ করে দেখবেন টয়োটার একটা রিসেন্ট এই নীতিন গাড়ি একটা রিসেন্ট মডেল। কিন্তু ইথানলে মেইন যে প্রবলেমটা, যেমন আপনি পেট্রোলে যদি আগুন লেগে যায় আপনি ওটা ভিজিবলি দেখতে পাবেন, ইথানলে দেখতে পাবেন না যতক্ষণ না আপনার কাছে লেন্স মতো থাকবে, একটা ব্লু লাইট দেখতে পাবেন, আপনি বুঝতেও পারবেন না গায়ে আগুন লেগে গেছে, সবথেকে বিগেস্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা, হ্যাঁ, গড়কড়ি তো বলছিল কি 15 টাকাতে ইথানল, মানে এবার এই যে টয়োটাতে যেটা প্রসেস করে ওটা ইথানলে চালাবে, এর ওখান থেকে একটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হবে, যেটা ওই গাড়িটাকে ইভি মডেলিং ও বানাবে। মানে যদি এবার গাড়িটার মধ্যে অটো শিফট আছে, যে ওটা ইথানল থেকে অটোমেটিক্যালি ইভি তে শিফট হয়ে যাবে, যে মুভমেন্টে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হতে শুরু হবে। আচ্ছা, মানে বেসিক্যালি এটাকে ডাইরেক্ট না করে ইনডাইরেক্ট ওয়েতে প্রসেস করছে, যাতে ডাইরেক্টলি ইথানলটা এ না করে, ডাইরেক্টলি ইথানলটা না করে, বুঝতে পারলাম। চলো, মানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কনসেপ্ট। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ায় কিন্তু ইন্ডিয়ায় প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু মানে ইন্ডিয়া তো সুগারকেন ইন্ডাস্ট্রিতে তো মোস্ট প্রবলি নন্দন আরো ভালো জানবে, মোস্ট প্রবলি ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ডে নাম্বার 1, মানে টোটাল প্রোডাকশন ইন্ডিয়া লার্জেস্ট প্রোডিউসার আর সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার, মানে আমাদের কনজাম্পশনই এত বেশি, আমরা বাইরের কান্ট্রিকে সেরকম এক্সপোর্ট করতে পারি না। এবার থাইল্যান্ডের প্রোডিউস কম, কিন্তু থাইল্যান্ড এক্সপোর্ট করে বেশি, ব্রাজিলও লার্জেস্ট প্রোডিউসার, কিন্তু ব্রাজিলে কনজাম্পশন কম, আমাদের কনজাম্পশনটা সেটা, আমাদের সব জিনিসই কনজাম্পশন বেশি, কারণ আমাদের এত বড় ফ্যামিলি নেই, আর এত বড় ফ্যামিলি হলে তো কনজাম্পশন বেশি হবেই, উপায় তো কিছু নেই। মানে সত্যি কথা বলতে কি, জায়গা কম আর লোক বেশি, আর এইটা তো প্রবলেম ভারতের আছে, কিছু করার নেই। এবার সামনে ইলেকশন আছে, তো গভর্নমেন্ট ইনফ্লেশন প্রতি বছর একটা বড় মুদ্দা, তো কেউ চায় না যে এখন ইনফ্লেশনকে ক্যাটার করতে। আর তারপরে রিসেন্ট আমি দেখছিলাম এল নিনো এখন বিগেস্ট ফ্যাক্টর ইকোনমিতে, এল নিনো তো অবভিয়াসলি একটা বিগ ফ্যাক্টর, ঠিক আছে। এবার তো যে কারণে এখন যে রবি ক্রপের চাষ এখন শুরু হবে, তো এবার রবি ক্রপের জন্য প্রচুর জল লাগে, এবার নরমালি এত ভালো না, মনসুন ভালো না হলে রবি গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বৃষ্টি হয়নি, এবার যে ওয়াটার রিজার্ভার গুলো আছে, মানে পুরো ইন্ডিয়াতে মোটামুটি বড় বড় যেগুলোতে চাষ হয়, কর্ণাটকা ওড়িশা হরিয়ানা, 146 খানা রিজার্ভারে, মানে লাস্ট 10 বছরে অ্যাভারেজের থেকে কম জল আছে এবছর। না না, এবছর খুব খারাপ অবস্থা, খুবই খারাপ অবস্থা। এই বছরে যে আগস্ট মান্থ গেল, ওটা লাস্ট 100 বছরের সবথেকে ড্রাই মান্থ ছিল। না না, খুবই খারাপ অবস্থা, মানে যদি এরকম পরপর 2 বছর হয়ে যায় না, আমরা হিট করে যাব, আমরা
মানে পাকিস্তান বাংলাদেশ এরকম ক্রাইসিস ফেস করেছে এরকম প্রবলেম হয়ে যাবে। হ্যাঁ কে কি আরে আমরা তো ফার্মিং আইডিয়া আছে যে কি হচ্ছে না পুরো সাউথ ইন্ডিয়াতে নাকি 45% থেকে 47% মানে রেইনফল ডেফিসিট রয়েছে। হ্যাঁ তো শুধু সাউথ ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডেফিসিট দেখ এখানেও প্রচুর ডেফিসিট আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলেও প্রচুর ডেফিসিট হয়েছে, খালি মাত্র দিল্লি রাজস্থান হরিয়ানা বেল্টে ডেফিসিট নয় এক্সেসিভ হয়েছে, বাকি সব জায়গায় ডেফিসিট আছে অলমোস্ট। জীবন বলতে কমোডিটি মার্কেটে সব ডালের দামও বেড়ে যাবে দেখো। হ্যাঁ খুবই বাড়বে, কমোডিটি মার্কেট খুব হিট করবে। দাদা ওই কালকে মর্গান স্ট্যানলি বলেছে যে ইলেকশনের আগে 10% এখান থেকে আরো গ্রোথ দেবে ইন্ডিয়ান মার্কেট যেটা আছে 24 ইলেকশনের আগে, এখান থেকে 10% গ্রোথ দেওয়া মানে 21,000 চলে যাবে তো পুরো ক্রস করে যাবে নিফটি। দেখলেই বুঝতে পারবি মানে তোরা ফলো করিস সেই জন্যই বলছি, তুম লোক ইসকো রেগুলারলি থোড়া দেখোগে না, এক পার্টিকুলার টাইম মে ইয়ে আপ হোতা হ্যায় এক পার্টিকুলার টাইম পে ডাউন হোতা হ্যায়, তো প্লিজ ইউজ ইউর ইকোনমিক নলেজ। Every year and every 2-3 years gapping mein tum dekhoge ki ye system follow hota hai, so just follow your economic knowledge. theek hai aapko jo bhi macroeconomic parameter ka knowledge hai na aap usko use karo na, ab dekhoge ki ye sugar industry mein bar bar mujhe dekhne ko milta hai, isliye maine tum logo ko bola ki every year ek certain time pe ye downgrade ho jayega ek certain time ke baad, aur usme na to log follow karna, jaise dekho yahan par candle follow karta hai, candle kahin na kahin aapko support karega hi karega, टेक्निकल पैरामीटर भी सपोर्ट करता है एज वेल एज डाउ थ्योरी, मैंने टेक्निकल सारा मैटर फॉलो करेगा और उसमें आप स्ट्रेटेजी में डेवलप कर सकते हो, है ना। कहाँ 53 का देखो रेणुका सुगर का, तुम देखो यहाँ पर 53 में डाउन होना चालू हुआ, 52-53 में 50 में डाउन होना चालू हुआ, 50 से देखो कहाँ 40 में आके इधर, तो ह्यूज गैप क्रिएट करता है। सो अगर आप इसको समझ पाते हो ना कि कब डाउन जा सकता है कब नहीं जा सकता, इकोनॉमी टू इकोनॉमी सेक्टर टू सेक्टर, तो ये आपको बेनिफिट करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव को डेवलप करने में बेनिफिट करेगा और तब जाके इस तरह का स्ट्रेटेजी आपको सच में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मार्केट मौका देता है सर, पर इट्स डिपेंड करता है कि आप अपना माथा को सारा दिन माने सारा दिन इन द सेंस आप इसको एक क्या बोलते हैं ना तपस्या की तरह ले रहे कि नहीं ले रहे। दिन रात मेहनत करो, मार्केट इकोनॉमी के साथ दिन रात जुड़े रहो और स्मार्ट वर्क करो, आप देखना इस तरह का स्ट्रेटेजी आपको काफी फायदा दे सकता है। ऑब्वियसली मैं जितना इजीली यहाँ पर क्लास में बोल दे रहा हूँ इसको रियल में करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये समय का मैटर है सर, टाइम का खेल है, सही टाइम के लिए वेट करना तो उसमें पेशेंस का मैटर आता है। सेकेंडली सबसे ज्यादा पेशेंस तो तभी आएगा ना जब आपको नॉलेज होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में ऐसा होता है, इस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऐसा होता है, तो अगर आप ये सेक्टर वाइज खेल को भी समझ जाते हो ना तो भी आपको बहुत फायदा है। और सेक्टर वाइज खेल को समझने के लिए आप लोग अपना कॉमोडिटी मार्केट का नॉलेज भी डेवलप करो सीरियसली सर। जैसे अभी सुगर इंडस्ट्री फुल्ली कॉमोडिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है, तो आप अपना कॉमोडिटी मार्केट नॉलेज मैंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज वेल एज मेटल प्रोडक्ट जितना सारा है उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा इंडस्ट्री चलता है, बहुत सारा क्या सारा इंडस्ट्री चलता है। सो इफ यू कैन इंप्रूव योर कॉमोडिटी नॉलेज, इफ यू इंक्रीज योर क्या बोलते हैं उसको करेंसी इंटरेस्ट मार्केट नॉलेज, तो ये दोनों तीन चीज ना आपको बहुत हेल्प करेगा आपका ओवरऑल मार्केट के साथ हमेशा कनेक्ट रहने का कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, एज वेल एज एनआईएसएम का एग्जाम भी दे सकते हो और मार्केट में जॉब सिनेरियोस भी बहुत अच्छा है, ठीक है, माने इक्विटी कमोडिटी करेंसी तीनों मिला के एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो बन रहा है सर। तो ऑब्वियसली शुरू में एज ए फ्रेशर्स थोड़ा धक्का खाना पड़ता है, पर बिलीव मी सर एक बार आपको वो धक्का निकल जाए ना फिर आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। ओके ओके ठीक है सर, समझ गए आप लोग भी समझ गए मैं भी समझ गया। अच्छा तो क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ अबव वी कैन कंक्लूड इफ मार्केट गो डाउन द प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड, माने ऐसा नहीं कि ये सब हवा में स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का जेन्युइन रीजंस है, मैं तो एक दो बात ही कर रहा हूँ आपके साथ, अब ऐसे हजारों बात हो सकता है। देयर आर टू ब्रेक इवन पॉइंट्स द
The point at which the maximum loss occurs is at 7,200. If market goes up, then profits are limited. Strategy के generalizations की भी करके दिया है. Exam में इस तरह का generalizations questions भी कभी-कभी पूछ लेता है. माथा को clear रखो सर, ठीक है? और रट्टू तोता ना बने, please. रट्टू तोता ना बनो. मुकोस्तो विद्या, please side में करो. ये market मुकोस्तो से नहीं चलेगा. हाँ मुकोस्तो करो, माने मगअप कर सकते हो, उसमें problem नहीं है. बट कॉन्सेप्चुअली जितना डेवलप रहोगे उतना बेहतर. प्रॉब्लम यही है ना हमारे देश में कि बचपन से रटाने का इतना आदत जो डाल दिया. टीचर्स भी ऐसे ही बोलते थे बचपन में, मुकुश तो करे आज भी. अरे भाई क्या मुकुश तो करेगा जिंदगी भर? मुकुश तो करके कितना ही चल सकता है जिंदगी. इवन कोई कोई तो ऐसे भी बोलता था मैथ्स भी मुकुश तो करके चले आना. समझा, अगर बच्चे को समझ में नहीं आता मैथ्स तो टीचर उसको बोल देता है कि समझ नहीं आता तो रट लेना. अरे भाई बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहे वो तो देखो. फिर बच्चा एक जनरलाइजेशन करते हैं, जानते हो स्टूडेंट जब छोटा होता है वो जनरलाइजेशन कर देता है कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आता. सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को मैथ समझ में नहीं आता. सर क्यों? आप बोलोगे सर मैथ किसी का वीक नहीं हो सकता. नहीं सर, नहीं हो सकता. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजंस है. मैथ वीक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक मैथ सबका अच्छा होना चाहिए और होगा. आप एक चीज देखो सर, हम लोग रस्ते में जब कोई भिखारी को या कोई अनपढ़ गंवार को भी पैसा देते हैं, उसको नॉलेज नहीं है, 1 to 10 उसको पता नहीं है, 1 to 100 का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो समझ जाते हैं कि कौन सा नोट 10 का है, कौन सा नोट 20 का है, कौन सा नोट 1000 का है. इवन जो अंधा होता है वो भी एक टेक्निक है उनका, नोट के साइड में एक दाग होता है उसको हाथ से मेजर कर लेता है. तो ये मेजरमेंट टेक्निक मैथ्स नहीं तो क्या है? मैंने बिहेवियरल नॉलेज से हम लोग देख पाते हैं कि मैथ सबको आता है, लेकिन जब भी बात एडुकेशन लेवल में थोड़ा डेवलप एडुकेशन का हो तब हम लोग रटने के पीछे भागते हैं. मतलब एक्चुअली ना नेचुरल वे से देखो तो एवरीथिंग इज मैथ, बट ज्यादातर लोग मैथ से डर जाते हैं. और इसका मेन रीजन है वो बचपन का एडुकेशन लेवल, वहां पर दिक्कत है. उसमें ना गलत लोग बैठा हुआ है सर, गलत लोग बैठा हुआ है. और इसके कारण इंडिया का जो पोटेंशियल है, इंडिया अपने पोटेंशियल से पीछे भाग रहा है. ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके बातचीत चल रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि करंट एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है उसमें कुछ खराब है या अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. बट कुछ स्टेट को आप देखो जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है. अरे भाई देश में कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर सकता है उस हिसाब से क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देयर आर सम प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम. नॉलेज लेवल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, वर्किंग नॉलेज में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज विरोधिता करना है तो कर देता है. विरोधिता करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. एक अच्छा विरोधी होना भी चाहिए, बट अच्छा विरोधी बने. बेकार का विरोधी बनने का क्या मतलब है? अच्छा देखो, स्प्रेड इक्वल्स टू हाई स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक, मैक्सिमम लॉस इक्वल्स टू स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, मैक्सिमम लॉस ऑकर्स एट लोअर स्ट्राइक प्राइस, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू लोअर स्ट्राइक माइनस मैक्सिमम लॉस. सर मैं क्यों और समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें, आप लोग समझ गए. एंड अपर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू लोअर स्ट्राइक प्लस मैक्सिमम लॉस. हाँ, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, करके देखो. अगर आप अभी तक का पूरा हिसाब आप लोगों को क्लियर है ना, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं. मैंने पर्टिकुलर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में क्या स्ट्रेटजी जनरलाइजेशन रहेगा, तो प्लीज ये याद रखना सर, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस तरह का सवाल भी करते हैं, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन कर दें. और फिर आ जाता है सर डेल्टा स्ट्राइक सिलेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी. ये सेम टू सेम बाकी स्ट्रेटजीज की तरह भी यहाँ पर बोला हुआ है, डेल्टा को कैसे यूज करना है, स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, और वोलेटिलिटी का इफेक्ट के बेसिस में ग्राफिकल सिचुएशन क्या बन सकता है. मैंने एक्सपायरी का 5 दिन बाकी है, एक्सपायरी का 15 दिन बाकी है, एक्सपायरी का 30 डेज बाकी है, इसके बेसिस में क्या चेंजेस हो सकता है प्रीमियम वैल्यू पे. सर आज मेरा दूसरा क्लास है, नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट वापस डिस्कस कर दूंगा, मैंने कल के क्लास में, ठीक है? और ये हो जाने के बाद ना मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज लाइक स्ट्रैडल पढ़ेंगे, स्ट्रैंगल पढ़ेंगे, बटरफ्लाई पढ़ेंगे, ठीक है? और बहुत ही टॉप मैंने हॉट टॉपिक बोल सकते हो आप, आयरन कॉन्डोर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बताएंगे सर, डोंट वरी. आयरन कॉन्डोर आजकल बहुत बातचीत चल रहा है इसके बारे में, ठीक है? तो बस
ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी के क्लोज ही आ गए हम लोग, 4-5 स्ट्रेटेजी बाकी है, कर लेंगे सर अपकमिंग वीक तक हो जाएगा। आज मैं इतना ही रखता हूँ सर, हाँ इनकम टैक्स का क्लास है, नेक्स्ट दिन कल बात करते हैं। ठीक है सर, ओके सर, बाय बाय सर, बाय, ओके ओके टाटा।